नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि करंट अफेयर के अंदर रहे हैं। इनके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान जो है वो दिया गया सितार प्लेयर मंजू मेहता को। नेक्स्ट अवार्ड देखिए चैंपियन ऑफ चेंज। चैंपियन ऑफ चेंज जो है वो दिया गया आपके चंबा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिनका नाम है मोनिका भुतुनगुरु। उसके बाद है मोहम्मद रफ़ी अवार्ड। मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2018 के लिए दिया गया म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर को और प्लेबैक सिंगर उषा टिमोथी को। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना ये आपका इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ अवार्ड आपका दिया गया अमिताभ घोष को, जो कि आपके इंग्लिश राइटर हैं। इनकी जो फेमस नॉवेल्स हैं उनका नाम है द शेडो लाइंस, द ग्लास पैलेस एंड द हंग्री टाइट। उसके बाद अगर हम पार्लियामेंट्री अवार्ड की बात करें तो पार्लियामेंट्री लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राज्यसभा एमपी शरद पवार को और बीजेपी के जो लीडर हैं जिनका नाम है मुरली मनोहर जोशी। इसके साथ साथ अगर हम बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड्स की बात करें 2018 के लिए, तो दो लोगों को दिया गया। एक दिया गया गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे को। अगर गांधी पीस प्राइज की बात की जाए तो गांधी पीस प्राइज दिया गया है निप्पन फाउंडेशन के चेयरमैन जिनका नाम है योही सासाकावा फॉर हिज रोल इन लेप्रोसी एरेडिकेशन। अगर फ्यूचर फॉर द नेचर अवार्ड की बात की जाए तो अशोका यूनिवर्सिटी के टीचर और विप्रो सस्टेनेबल फेलो जिनका नाम है दिव्या कारनाथ, इनको जो है वो फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड दिया गया। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सुमित्रा चक्रवर्ती, जो कि सीईओ हैं आपके इनोवेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जिनको आप इनोवेशन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्राइज की बात की जाए तो ये सूडान के रिफ्यूजी हैं जिनका नाम है अब्दुल अजीज मोहम्मद, उनको दिया गया। डैन डेविड प्राइज आपका दिया गया भारत के हिस्टेरियन है जिनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। देखिए सिंपल सिंपल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सवाल आपके इसी तरह से पूछे जाएंगे कि किसको कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका आ गया के वीरामणि अवार्ड फॉर द सोशल जस्टिस, ये दिया गया आपका पी एस कृष्णन। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जैपनीज आर्किटेक्ट को दिया गया जिनका नाम है एराटा एजोकी। इसके बाद अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज दी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन इन दी वर्ल्ड की हम बात करें तो ये जापान के हैं जिनका नाम है केने तनाका। व्यास सम्मान जो कि आपके हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, ये अवार्ड आपका दिया गया लीलाधर जावड़ी को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की बात की जाए जो कि आपका 9 जनवरी को दिया जाता है, तो ये आपका दिया गया डॉक्टर राजेंद्र जोशी। हार्वर्ड अवार्ड फॉर एक्टिविज्म की बात की जाए तो ये दिया गया पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है मलाला यूसुफ़ज़ई। ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड दिया गया आपका किसको, आनंद कुमार। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका है लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये दिया गया स्वाति चतुर्वेदी को। भारत रत्न की बात की जाए, लास्ट ईयर 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, एक का नाम है प्रणब मुखर्जी, देन आपके हैं नानाजी देशमुख और थर्ड इज भूपेन हजारिका। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट प्राइजेस की बात की जाए 2018 की, तो ये आपका दिया गया है आशमा जहांगीर को। आशमा जहांगीर जो थी ये आपकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर थी पाकिस्तान से। अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है दैट इज सरस्वती सम्मान, ये आपका दिया गया तेलुगु पोइट के शिवारेड्डी। इसके बाद अगर हम देखें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कंक्लेव एट मोहाली के दौरान दिया गया, ये आपका दिया गया साइंटिस्ट डॉक्टर AK सिंह को। अगला फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया राजी को। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म दिया गया अंधाधुन को। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल दिया गया आलिया भट्ट राजी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल दिया गया रणवीर कपूर संजू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया मेघना गुलजार को राजी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह फॉर ए बदन राजी। बेस्ट फीमेल सिंगर श्रेया घोषाल फॉर घूमर, मूवी का नाम है पद्मावत। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दिया गया पंकज कुमार को फॉर तुम्बड़। बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल दिया गया सारा अली खान को फॉर केदारनाथ। एंड बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल दिया गया ईशान खट्टर फॉर बियॉन्ड द क्लाउड्स। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ 2018 का अगर मैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करूं तो ये दिया गया आपका जेम्स पीप एलिसन जो कि USA के हैं एंड ताशोकु होंजो जो कि जापान के हैं। कंट्रीब्यूशन इनका है फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी बाय इनविशन ऑफ द नेगेटिव इम्यून रेगुलेशंस। सेकंड अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया। फर्स्ट इज जेराड मोरो जो कि फ्रांस के हैं। सेकेंड इज आर्थर एशकिन जो कि USA के हैं। थर्ड इज डोना स्ट्रिकलैंड जो कि कैनेडा के हैं। ये दिया गया आपका फॉर देयर मेथड्स ऑफ जनरेटिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा शॉर्ट ऑप्टिकल पल्सेस इन द फील्ड ऑफ लेजर फिजिक्स।
इसके बाद तीसरा देखा जाए केमिस्ट्री फील्ड में, केमिस्ट्री में अगेन तीन लोगों को दिया गया, फर्स्ट इज जॉर्ज स्मिथ जो कि यूएसए के हैं, सेकेंड इज फ्रांसिस एर्नॉल जो कि यूएसए के हैं, थर्ड इज ग्रेग विंटर अगेन जो कि कहाँ के आपके यूके के हैं। ये दिया गया फॉर द कंट्रोल ऑफ इवोल्यूशन एंड यूज इट फॉर द पर्पज टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट द ह्यूमन काइंड इवोल्यूशन के ऊपर जो है उनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर, तो ध्यान रखना लिटरेचर के ऊपर जो है वो 2018 में कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, क्योंकि जो सेक्सुअल जो आपने देखा होगा मी टू मूवमेंट चली थी तो उसके अंतर्गत जो था वो जो स्वीडिश आपकी अकेडमी थी जो कि लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ देती थी उसने नोबेल प्राइज़ को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद अगर मैं पीस की बात करूँ, पीस जो है वो दो लोगों को दिया गया, फर्स्ट इज डेनिस मुकव्वे जो कि आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हैं, एंड सेकंड इज नाडिया मुराद जो कि आपकी कहाँ से हैं, जर्मनी से है। ये दिया गया फॉर द एफर्ट टू एंड द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इज अ वेपन ऑफ वॉर और आर्म्ड या ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट अगर देखा जाए, लास्ट इज आपका इकोनॉमिक साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज दो लोगों को दिया गया, दोनों के दोनों आपके यूएसए से हैं, फर्स्ट इज विलियम नॉडॉस एंड सेकेंड इज पॉल रॉमर। ये दिया गया फॉर दर वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी। और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, वर्ल्ड बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया जॉन मूरे को, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एट 2019 बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिया गया, मलयालम फिल्म है आपकी भान्याकम उसको, पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड फॉर द ईयर 2018-19 दिया गया आपका किसको, सुनील कुमार को फॉर हिज बुक सविधम कव्या, और लास्ट अवार्ड आपका है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड फॉर हिज 2010 नोवल जिसका नाम था सोलो, ये आपका दिया गया किसको, राणा दासगुप्ता को। तो इसी के साथ जो है वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।